हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आया हूँ एक मिठाई वाला काउंटर देखने। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसका कंप्रेसर और फैन नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम आपको मैं बताने वाला हूँ। इसमें प्रॉब्लम हुआ है, इसका जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब हो चुका है, जिसके कारण कंप्रेसर तक और फैन तक सप्लाई नहीं पहुँच रहा है। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, ये है मिठाई का काउंटर। आप देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा मिठाई का काउंटर है। तो इसमें ये थर्मोस्टेट ख़राब हो चुका है, जिसके कारण कंप्रेसर तक और फैन तक सप्लाई नहीं पहुंच रही है। तो दोस्तों, मैं एक बार टेस्टिंग के लिए दोनों वायर को आपस में शॉर्ट किया हूं, और फिर मैं चलाकर देखने वाला हूं कि कंप्रेसर और फैन चलता है या कूलिंग करता है या नहीं। तो पहले मैं चेक करने के लिए आपस में शॉर्ट किया हूं, फिर मैं इसमें नया थर्मोस्टेट लगाऊंगा। तो अभी मैं चेक करने के लिए आपस में शॉर्ट किया हूं। दोस्तों, चेक करने के लिए करना है, अगर हम परमानेंट इसे लगा देंगे तो ये ज़्यादा बर्फ़ जमा देगा, मिठाई को जमा देगा, तो इसलिए थर्मोस्टेट लगाना ज़रूरी होता है। तो एक बार मैंने इसे निकालकर टेस्ट करने के लिए आपस में शॉर्ट किया है। तो अगर आपके काउंटर में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी इस तरह से शॉर्ट करके चेक कर सकते हो। तो मैंने शॉर्ट कर लिया है, और यहाँ पर मैं एक बार वायर टेप लगा लेता हूँ, ताकि मेरे को करंट ना लगे कहीं पर बॉडी टच हो। तो यहाँ पर हमको टेप लगाना है, वायर टेप अच्छे से लगा लेना है, और फिर हम इसमें पावर देकर चालू करके देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर टेप लगाना शुरू कर दिया है, एक बार हम वायर टेप लगा लेते हैं, उसके बाद में हम पावर देकर। तो वायर टेप हमने लगा लिया है, चलो अब चलाते हैं। तो देखिए, कंप्रेसर वो चालू हो चुका है, यानी कि जो प्रॉब्लम थी वो थर्मोस्टेट के अंदर थी। तो हमने चेक करने के लिए दोनों पिन को आपस में शॉर्ट किया है, और ये देख लीजिए, फैन चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपके काउंटर के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार थर्मोस्टेट के दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करके चलाकर आप देख सकते हो, और फिर आप चलने के बाद नया थर्मोस्टेट उसमें लाकर लगा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।